आप सभी को मेरा नमस्ते। प्रियंका किचन में आप सभी का स्वागत है। आज मैं लेकर आई हूँ एक नई रेसिपी, मूंग दाल की धिरडे। इसलिए मैंने आधा किलो मूंग दाल ली थी, इसे अच्छी तरह से धो के 4-5 घंटे के लिए भिगो लिया है। एक कटोरी हरा धनिया, 7-8 हरी मिर्च, 20-25 लहसुन की कली, 2 चम्मच खड़ा धनिया, 3 चम्मच जीरा, 1 चम्मच हल्दी पाउडर, स्वाद अनुसार नमक। अब मैंने लिया है मिक्सी जार का बर्तन, इसमें डाल लूंगी मैं थोड़ी थोड़ी डाल करके इसको अच्छी तरह से अपन पीस लेंगे। इसी दाल में मैं डाल दूंगी सारे मसाले, खड़ा धनिया, जीरा, लहसुन की कली, हरी मिर्च, इसका मैं फाइन पेस्ट बना लूंगी। इसी में मैं डाल दूंगी हरा धनिया, हल्दी पाउडर। अब मैं थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसका फाइन पेस्ट बना लूंगी। आप देख सकते हो मैंने इतना इसका फाइन पेस्ट बना लिया है। अब मैं इसे निकाल के सारी दाल का पेस्ट बना लेती हूँ। अभी अपनी दाल की पेस्ट अच्छी तरह से पीस कर तैयार हो चुकी है। अब मैं डालूंगी इसमें स्वादानुसार नमक। अब इसे भी अच्छी तरह से अपन मिक्स कर लेते हैं। अब मैंने गैस पर तवा चढ़ाया है, इसमें डालूंगी मैं थोड़ा सा तेल। आप अपना बैटर देख सकते हो, इतना काढ़ा और इतना पतला बना हुआ है, डोसे का रहता है वैसे। अब मैं थोड़ा थोड़ा बैटर डाल के इसका डोसा बना लूंगी। आप इसे चीला भी कह सकते हो, मूंग दाल का चीला। अब आप देख सकते हो एक साइड से अपना चीला पक चुका है। अब मैं इसे पलट लेती हूँ, थोड़ा सा साइड साइड में तेल डाल के निकाल लेते हैं इसे, इसको पलट लेते हैं। अब आप देख सकते हो एक साइड से थोड़ा थोड़ा ये ब्राउन हो चुका है, मतलब पक चुका है। अब अपन दूसरी साइड भी पकने देते हैं। अब दूसरी साइड भी अपनी पक चुकी है, अब मैं इसको निकाल लेती हूँ। अब देख सकते हो दूसरी साइड भी इसे मैं निकाल लेती। अभी अपना चीला बनकर तैयार है। ये खाने में भी बहुत टेस्टी लगता है। आप चाहो तो इसे दही स्वास के साथ भी खा सकते हो। अगर ऐसे खाओगे, इसमें मिर्ची तो है ही, बहुत ही टेस्टी लगता है। अगर मेरी रेसिपी अच्छी लगी तो मेरे वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिए प्लीज़। थैंक यू।